उनके पेपर को, उनके भविष्य को मनोहरलाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला मंडी में बोरी लगाकर बेच रहे हैं। इसलिए 17 किलोमीटर हम पैदल चलकर गए। उस जालिम का दरवाजा खटखटाने के लिए, थोड़ी फैलाकर उन बच्चों के लिए, हमारी बेटियों और बेटों के लिए न्याय मांगने के लिए, नौकरी मत दो, मौका तो दो नौकरी में बैठने का, मौका नीचे राक्षस हो, भाजपा जजपा के राक्षस हो, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की धरती से श्राप देता हूं, जाकर पूछना तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के माँ बाप से पूछो, तो कहता मौका तो दो नौकरी मत देना, जब मिलेगी मिल जाएगी यार, पेपर में बैठने की इजाजत तो दो। कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला, जो अफजल गुरु को तो अफजल गुरु जी कहते हैं और उनके पार्टी के नेता ओसामा जी और हाफिज सईद साहब कहते हैं, वो आज भारत की जनता को ही गाली देने लग गए हैं, वोटरों को ही गाली देने लग गए हैं। सोचिए वो कांग्रेस पार्टी जो लोकतंत्र के मंदिर पर किस प्रकार के आक्षेप लगाती है, लोकतंत्र की संस्थाओं पर सवाल खड़े करती है, विदेशी धरती पर जाकर लोकतंत्र मर गया है ये कहती है, भारत माता की हत्या हो गई ये भी कहती है। अब रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि जो जनता वोट करती है वो राक्षस प्रवृत्ति वाली होती है। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाली जनता, जिसे हम सभी लोग जनता जनार्दन मानते हैं, ऐसे लगभग 23 करोड़ लोगों को कांग्रेस पार्टी राक्षस प्रवृत्ति का बताती। और यही नहीं है, रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि मैं इन लोगों को श्राप देता हूं, मतलब भारत माता की हत्या की कामना भी करते हैं और भारत की जनता को श्राप भी देने का काम ये कर रहे हैं। अलग अलग चुनावों में वोटर जिस प्रकार से वोट करते हैं, करोड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, ये जनता जनार्दन होती है, इसे भगवान का रूप माना जाता है लोकतंत्र में, परंतु कांग्रेस पार्टी इसी जनता को राक्षस प्रवृत्ति का बताती है। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी किस अहंकार में जी रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला जी का एक बयान आज सामने आया है, ये दिखाता है किस तरह से घमंडिया अब भारत की जो जनता है, और जनता ही जनार्दन होती है लोकतंत्र में, उसका भी अपमान कर रहा है। ये दुख की बात है कि रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा है जो भारत के नागरिक भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करते हैं या समर्थन करते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के, उनको राक्षस बुला देना स्वयं ये दिखाता है कि आज राक्षस प्रवृत्ति की सोच भारत में घमंडिया में ही है। और ये बात भी समझनी होगी कि ये राहुल गांधी के निर्देशों पे ही ऐसा होता है। अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी जी संसद के पटल पर भारत माता की हत्या हो गई है ये वक्तव्य दे रहे थे, प्रधानमंत्री जी के लिए रावण से तुलना कर देते हैं, और आज रणदीप सुरजेवाला जनता को ही राक्षस बुला लेते हैं। मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहूंगा, नागरिक किसी भी दल के लिए वोट करे उसका सम्मान होना चाहिए और ये उसका अधिकार है हमारे संविधान के तहत।